कोटि-कोटि धन्यवाद माहौर जी, इतना सक्सेस लेजेंड्स से बीच में मेरा सक्सेस स्टोरी शेयर करने को मौका दिया माहौर जी। अच्छा लिए पूरा लीडर्स की मेरा धन्यवाद माहौर जी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम माहौर जी। मेरे नाम सुजाता है, मैं साउथ इंडिया से काम कर रहा ये बिजनेस में, और साउथ इंडिया में मेरा से एक छोटा गांव था, और गांव में मैं मेरे पापा मेरे मम्मी और मेरे से दो बड़े भाई एक छोटे भाई, मैं अकेला था लेडी बेटी, छोटा घर था, खेती में काम करते पापा माँ। उसके बाद में ज्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा गांव है, इसलिए 5 तक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, और एक छोटा सा मेडिकल शॉप भी नहीं रहता, एक टिफिन सेंटर भी नहीं रहता वो गांव में, और बस का सौकर्य भी अच्छा नहीं रहता, सुबह में एक बार इवनिंग एक बार, ऐसा बहुत छोटा गांव है। वो गांव में जन्म हुआ मैं, और मेरे पापा मेरे मम्मी खेती में अच्छा किसान का काम करते था। 5 तक मैं उधर गवर्नमेंट से भी मेरा मम्मा का घर जाके उधर पढ़ते था, और छोटा भाई खेती में पापा के पास हेल्प करते था, ऐसे जीवन चलते रहते। एक दिन 5 हो गया, और एक साल तो वैसे ही काम चलते रहते, मम्मी के पास डैडी के पास रहते रहते 1 ईयर तो चले गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई सोचा, और ऐसे ही घर में रहते तो कैसा रहते, थोड़ा अच्छा लिखे पढ़े तो भी अच्छा रहता बोल के मेरे अम्मा का घर लेके जाया, और 6th 7th उधर कंप्लीट किया, उधर भी गवर्नमेंट स्कूल था। और उसके बाद भाई का 10th क्लास हो गया, मैं अकेला उधर ही रहते, नको उधर सिस्टर उधर नहीं रहना, मेरे पास रहे तो अच्छा रहता बोल के मेरे भाई और मेरे पापा मेरे मम्मी सोच के और गांव को लेके आया। उसके बाद डैडी मम्मी सोचा था ये गांव में ऐसे रहे तो कैसा चलता जीवन, आगे बढ़े कैसा, बच्चा लोगों बड़े हुए तो उसका पालन कैसा करना, उनका शादी कैसा करना, ऐसा सोचा। सोच के पूरा फैमिली तो हैदराबाद आ चुका है, हैदराबाद आने के बाद क्या करना पता नहीं। उसके बाद एक छोटा घर ले लिया, सिंगल रूम 300 तो होगा वो रेंट, उसमें 5 पूरा फैमिली रहता। बड़े भाई का इंटर कंप्लीट हो गया, एक जॉब में घुस गया, अच्छा छोटा जॉब मिल गया, महीना में 4000 कमाते था भाई। डैडी सोचा मैं घर में क्या करना, ऐसा सोच के पेंटिंग काम शुरू कर दिया, मम्मी भी मैं भी एक काम करूंगा ऐसा सोच के घर घर जाके कपड़े धो के बर्तन धो के, ऐसा थोड़ा दिन चलते रहे थे। उसके बाद छोटा भाई एक रेंट में ऑटो लेके वो भी चला के पैसा कमाने को शुरू कर दिया, थोड़ा जीवन अच्छा चल रहा, अभी पहले से थोड़ा अच्छा है, पूरा लोगों सभी लोगों काम करते थोड़ा आगे बढ़ रहे जिंदगी। और घर का ओनर वाला है बेटी, अभी 7 तक कंप्लीट किया ना, 10 तक कंप्लीट करे तो अच्छा रहता बोल के उनके पास उधर हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल में मैं 8th 9th 10th कंप्लीट किया। उसके बाद ज्यादा पढ़े इंटरेस्ट तो नहीं है, उधर एक साल इधर एक साल मेरे की इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने की, और सोचा मैं भी थोड़ा अच्छा कमाए तो थोड़ा अच्छा लगता, ऐसा सोच के मम्मी बोला सोच के मिशन सीख लो अच्छा रहता, घर में बैठ के भी कर सकते और शादी के बाद भी घर में बैठ के एक काम आपके आपके पैर में एक कमाने को मौका मिलता, घर में बैठ के बोल दिया। वो सोचा अच्छा है बोल के मैं सिलाई सीखने को गया, 3 महीना 3000 खर्च किया उसके, और उसके बाद एक सेकंड हैंड में मशीन ले लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, थोड़ा अच्छा कमाने को मेरे भी अच्छा लगा। उसके बाद सोचते हैं मम्मी डैडी बड़ा हो गया, पहले बड़ा भाई का शादी कर दिया 1 साल हो गया, उसके बाद मेरे के सोचने की मम्मी मेरे का शादी करना सोच रहा, ऐसा सोचे तो एक दिन मेरे का टाइम आ गया, मेरे भी शादी कर दिया मम्मी, और उसके बाद रियल स्टोरी शुरू हो गया मेरा। हर लोगों लेडीज वही सोचते घर में रहना अच्छा,
घर लोगों की पालन करना, टाइम में खाना पकाना, पूरा अच्छा नीट रखना घर को, और रिलेशन से भी अच्छा रहना, यही सोचती हर एक लेडी। उसके बाद उनका ड्रीम, एक बड़ा ड्रीम रहता माँ बनने को, वो तो भगवान दे दिया ना लेडी को, गॉड गिफ्ट बोलते, वही मेरे मेरे जिंदगी में एक दिन आ गया। और पहले बेटी था, वो बेटी 1 महीना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रहते, पैसा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही 1 महीना के बाद डेथ हो गया। उसके बाद अच्छा ट्रीटमेंट कर लिया, कैसा क्यों हो गया बोल के, और नेक्स्ट भी बेटी हुआ, वो बेटी भी 1 महीना तक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता, ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं। अभी सारे लोगों बोलते हैं अच्छा हॉस्पिटल में बताओ, अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट चलता, कुछ भी नहीं होता आपका बेटे, ऐसा बोले। मेरे को भी पता नहीं क्या हो रहा, क्या कर रहा, क्या चल रहा, ऐसा क्यों हो रहा, उतना टैलेंट तो मेरे को तो नहीं। एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करा, 1 महीना में 8 लाख तक खर्च हो गया बच्चे की, फिर भी उन बचा नहीं, वो बहुत दुखी है मेरे जिंदगी में। 11 11 मंथ्स का बेटी मेरे साथ साथ चले हुए, तो बहुत टाइम लगा मेरे को फिर नॉर्मल होने को। उसके बाद और लोगों से गए, पता आजू बाजू वाले से ऐसा करो ऐसा करो, आपको ऐसा हो रहा, मम्मी बहुत दुखी हो रहा, और उसके घर में भी बहुत दुखी रहता कौन को भी। ऐसा एक दिन अच्छा एक डॉक्टर को मिलके और थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और उनके बाद एक बेटी हुआ, 5 महीना प्रेग्नेंट था मैं उसी टाइम में। उन लोगों क्या सोच रहा मेरा, मेरे से नहीं मालूम, उन लोगों बोला मेरे से अच्छा लिया बोल रहा कि सोचा मैं, आप इधर है तो ऐसी होता, आप मम्मी का घर जाओ, अच्छा रेस्ट ले लो, आपको रेस्ट होना बोले डॉक्टर, आप अच्छा रेस्ट ले तो अच्छा बेटा होता और जीवन भी अच्छा रहता, ऐसा सोच के मोटिवेशन करके मेरे को मेरे मम्मी का घर भेजाया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी हो, लास्ट में डिलीवरी डेट हो गया, और हॉस्पिटल में आना, और डॉक्टर लोग बोल रहा आपको साइन होना, साइन रखे तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते बोले, ऐसा बोले। तो उसी टाइम में फोन में एक बात किया, मेरा हस्बैंड मेरे भाई में पूरा लोगों बात किया, उन्हें एक ही बात बोला, आप अभी बेटा हो रहा ना, वो बेटा जिंदगी में जिंदा है तो मेरे को बोलो, उसके बाद आपको वो बेटा की मैं घर को लेके जाते, उस तक मेरे कॉल नको करो, ऐसा बोल दिया। पापा माँ बहुत शॉक हो गया, इतना दिन अच्छा रह गए ऐसा कैसा बात कर रहा, ऐसा सोचा। उसके बाद बेटी हो, 10 दिन का बेटी डेथ हो गया, वो तो मेरा से क्या है कि भगवान कैसा मेरा दिया, क्या है कि नहीं मारू, मेरा तो गलत नहीं, कितना कोशिश करना मैं उतना कोशिश करे मेरे बेटा के वास्ते। और उसके बाद मम्मी लोगों घर को लेके आया, बेटा आप रोना मत, मैं है आपको जिंदगी में, उन एक ही नहीं और बहुत है, ऐसा मोटिवेशन कर रहा मेरे तो मिल रहा है। बहुत दुखी में है, कौन भी बोले तो भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा रोते रोते थोड़ा दिन चले गया लॉकडाउन में। अभी लोगों कैसा है वैसे है, और आजू बाजू वाले एक गुस्सा करे आके, आंटी लोगों ऐसा कितना दिन रोते आप, आपका हेल्थ खराब हो जाते, पहले का देख लो, आज तो नहीं हुआ आपका, अभी है जिंदे, अभी आके बढ़ना है आपको, ऐसा बोले। तो एक आंटी आके ऐसा एक काम में लेके जाते, थोड़ा माइंड फ्री होता उनको भी, सोचने ज्यादा रोते नहीं, सोचने नहीं, ऐसा बोले। तो मेरे मम्मी अभी तक किधर भी बाहर नहीं निकले मेरे बेटी, उधर काम तो मेरे को नको, ऐसा बोले। तो हाँ ऐसी करे तो कैसा रोते रोते ऐसे रहते घर में बोल के थोड़ा गुस्सा कर दिया। उसके बाद आपका बेटी मर्जी, आप जाए तो आपका मर्जी है, ऐसा बोले। तो मैं जाए उधर भी जाके, चॉकलेट कंपनी है नजुकीच रहता, उधर जाए के बाद सुबह जाना, इवनिंग 5 तक टायर के काम करना, बैठना नहीं, उतना बहुत हार्ड वर्क था। मैं 2 दिन के बाद नहीं गया, 2 दिन कर, एक दिन में 200 देता था,
2 दिन का काम किया, उसके बाद मैं जाके पूछा, सर मैं कल से नहीं आ रहा, मेरे को 400 दे दो, मैं नहीं आते, आपका मर्जी, आप आने की नहीं आने क्यों। फिर दो दिन का पैसा मैं नहीं देते, 1 हफ्ता का पैसा देते, 1 हफ्ता आप कंटिन्यू करो, पैसा मिलते नहीं तो आपका मर्जी है, बोले 4,400 क्यों छोड़ना, 2 दिन में काम करे, इसलिए अभी 5 दिन कंटिन्यू करके उधर से 1,200 रुपीस लेके आया, फिर नहीं जाया और मेरा सिलाई का काम शुरू कर दिया घर में बैठ के। उसी टाइम में मम्मी बोला, मैं नहीं जाता मम्मी, सिलाई काम करते आ बेटा करो, आप जिंदगी में रोना मत, आप कुछ भी काम करो आपको मैं मदद करूंगा, फिर रोना मत, कौन सा भी सोच में नहीं आना, अब जीते रहो, मेरा को ना, मेरा बेटा मेरा को ना, आप लोगों की होना नहीं होना उनको तो हम भुगता नहीं, आपका हस्बैंड कोना नहीं होना मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो आप होना, मैं अकेला बेटा है, मैं इतना 20 साल से आपको पालन करे, आप कुछ होए तो मैं नहीं रहता, ऐसा बोल दिया। मम्मी डैडी इतना सपोर्ट दे रहा मेरा को बोल के मिशन शुरू कर दिया माँ गुरु जी। उसके बाद ऐसे चलते चलते जीवन में एक सेफ शॉप का कंपनी अपॉर्चुनिटी आ गया मेरे लाइफ में, वो भी कैसा बोले तो लोगों डायरेक्ट मेरा घर नहीं आया, बाजू वाला घर में प्लान बता रहा था, वो आंटी मेरे बहुत क्लोज था, उसी टाइम में मेरे को बुलाया उधर, आ जाओ एक बार, ऐसा एक बिजनेस एक काम है आपको होना है ना, आप काम करते बोल लेना, वो सिलाई में कितना दिन काम करते, ऐसा थोड़ा बात कर दिया। जाया मैं, जाए के बाद उधर 4 लोगों बैठे, बैठते बैठते सेफ शॉप का प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ उन लोगों की, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मेरे इसमें कंप्यूटर का बात नहीं है, आप कमाने की इंटरेस्ट है तो बोलो मैं आपको मदद करूंगा। अच्छा सर मैं तो कमाने की है, कमाना है मेरे को जरूरी है, पैसा कमाने को मेरे को जरूरी है, आने वाले टाइम में मैं अच्छा लाइफ लेना है, घर का बैकग्राउंड देख रहा, छोटा छोटा काम, ऐसा थोड़ा पैसा कमाए तो अच्छा होता, ऐसा सोचा मैं, पूरा समझ बैठ के एक-एक चीज बताया मेरे को, ऐसा करना एक बार शॉपिंग, ऐसा ऐसा बोल दिया, पूरा डाउट कुछ थोड़ा थोड़ा डाउट है तो क्लियर कर दिया। उसके बाद एक फॉर्म निकल के बाहर लगे, मैडम ये फॉर्म फिलअप करो आप बिजनेस में शुरू हो जाता, इसको 350 लगता, ऐसा बोल दिया। मैं क्या अभी तो पैसा नहीं है मेरे कने, 2 दिन टाइम लगता मेरे को फॉर्म फिलअप करने को, 2 दिन के बाद मैं करूंगा, पक्का करूंगा, मेरे को इंटरेस्ट है कमाने को। उसके बाद क्या करना सोचना नहीं, मम्मी के पास नहीं है पैसा, डैडी के पास नहीं है, मेरा एक छोटे से इयर रिंग्स था, मेरा वो इयर रिंग्स लेके मारवाड़ी शॉप में रखे, उसमें से 500 लेके आया, 500 में 350 उनको दे दिया। उसके बाद क्या करना पता नहीं, और महागुरु जी से एक दिन कॉल आ गया, अभिषेक महागुरु जी मैडम अभी तो फॉर्म फिलअप करे, फिर कब ज्वाइनिंग करा बिजनेस, फॉर्म फिलअप तो पैसा नहीं आते ना, बिजनेस करना बोले तो एक पैकेज खरीद करना है, उसके बाद काम भी करना है, सर मेरे कने पैसा नहीं है, पहले 8,000 लेना बोले तो किधर से लेके आना, मैं नहीं है सर, थोड़ा टाइम लगता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे हो गया। उसके बाद एक दिन माँ सार से पूछ, मैं मेरे से लोगों से पूछा, कोशिश करा मैं, अभी तक पैसा नहीं आया, आप कुछ करे तो थोड़ा हेल्प करो सर, मैं कैसा भी बिजनेस में आगे जाना, ऐसा रिक्वेस्ट कर दिया माँ गुरु जी, वो भगवान तो सोचता, मैं सुबह में लेकर भी ध्यान, एक-एक निमिष एक-एक घंटा उनका नाम मैं याद कर लेता, अच्छा मौका दिया मेरे को, पैकेज खरीद किया, लॉगिन आईडी मेरे को भेजाया। उसके बाद फुल एक्साइटमेंट था मेरे मेरे अंदर, कैसा भी इसमें बिजनेस करना और अच्छा कमाना, मेरा अच्छा जिंदगी इसमें चलना, ऐसा सोचा है। एक्साइटमेंट में जाके मेरा आजू बाजू आंटी लोगों को पूरा एक दिन बिठा के ऐसा बोले, आंटी एक बार शॉपिंग करना है 8,000 से, ऐसा पता नहीं सिस्टम के बारे में क्या है, इसमें कैसे जाना वो पता नहीं,
ऐसा होता है लोगों ना बोले। माँ गुरु जी की कॉल किया, उसी टाइम में सार बोलते, सर मैं बहुत लोगों की बोल रहा, फिर कौन भी ऐसे नहीं बोल रहा, फिर कैसे जाना मैं आगे, कैसा जाना बिजनेस में। एक दिन सार आ गया, आके एफएम बारे में मेरे को बताया, मैडम आप सिंपल सिंपल बातें करे तो बिजनेस में आगे बढ़ के नहीं जाते, सिस्टम है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम की फॉलो करना है, इधर क्या बोलते वही करे तो बस आपका जिंदगी बदल जाते। वही सोचा मैं, एक दिन एफएम बारे में बोला, लिस्ट बनाना, ड्रीम्स लिखना, ऐसा बहुत चारे से बहुत चीजें मेरे से समझ में आया। उसके बाद एक एक में फॉलो करने को रेडी हो गया। उसी टाइम में माँ गुरु जी बहुत हेल्प किया, प्लान आप नको बोलो मैं आके बोलूंगा, आपके एक चेक है तो आपको भी बिलीविंग आता, एक भरोसा आता कंपनी के ऊपर, मैं आता आपको मदद करूंगा, ऐसा बोल दिया। माँ गुरु जी के एक लिस्ट अच्छा बना के माँ गुरु जी कॉल किया, माँ गुरु जी थोड़ा आके प्लान वगैरह वगैरह बताते था, एक एक आदमी शुरू हो गया ज्वाइन होने को। पहले 1,000 का चेक आया मेरे नाम से, बहुत खुशी हो गया। उसके बाद माँ गुरु जी बोला अभी तो 1,000 आ गया मैडम, अभी का नेक्स्ट भूल से चेक कंप्लीट करना है आप, ऐसे नेक्स्ट वो भी कर दिया। उसके बाद फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मम्मी का ना छोटा सा फोन रहता, उसमें बैलेंस भी नहीं रहता, कभी कभी 10 रुपए 20 रुपए डालते था, उसी टाइम में मिस कर देते, ज्यादा फोन नहीं कर पाऊंगा। माँ गुरु जी बोला आपको फोन चाहिए मैडम, एक अच्छा सा फोन ले लो। हाँ माँ गुरु जी आप कैसा बोले तो मैं हो इसे करने को है, मेरा तो सक्सेस होना है, ये बिजनेस में पैसा कमाने हैं, आप कैसा बोले तो मैं वैसा सुनने को रेडी है, मेरे से ज्यादा लिखे पड़े नहीं, मेरे तो ज्यादा नहीं मालूम हैदराबाद, इसलिए माँ गुरु जी अच्छा गाइडेंस दे दिया, एक अच्छा लावा फोन ले लिया 3,500, बहुत खुशी हो गया, और मेरे भाई की बताया उन भी बहुत खुशी हो गया। उसके बाद और चेक शुरू हो गया, धीरे धीरे हो गया, अभी 10 लोग हो गया, 20 लोग हो गया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ गया। मैं एक ये बिजनेस से बड़ा अचीवमेंट ले लिया, उसी टाइम में उतना अचीवमेंट होता कि सोचा नहीं, मेरा सिल्वर रिकॉग्निशन मिल गया मेरे को ये बिजनेस से। सोम माहौर जी आशीर्वाद से, अभिषेक माहौर जी आशीर्वाद से, कृष्ण माहौर जी सपोर्ट करते था, और ये अपलाइन के वजह से मैं सिल्वर रिकॉग्निशन ले गया। और उसके बाद माहौर जी बोला मैडम आप तो फोन ले लिया, आपको एक जरूरी है, लैपटॉप होना है। माहौर जी मैं पहले दिन बोला कंप्यूटर का काम तो मेरे नहीं आता, लैपटॉप करने को लेके क्या करना, मैं बताता मैडम आपको पूरा मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, लैपटॉप में बताए तो प्लान अभी ज्यादा बिजनेस बढ़ के जाते, जल्दी सक्सेस मिलते हैं आपको बोले तो। हाँ माहौर जी आप पैसा बोले तो वैसे करूंगा, लैपटॉप डेल कंपनी का लैपटॉप ले लिया, वो बहुत अचीवमेंट है मेरे जिंदगी में, एक एक ऐसा बदलते जाए तो बहुत खुशी हारा और इंटरेस्ट भी हारा करने को। और ये इतना सो सक्सेस नहीं है और जाना, और माहौर जी बोला मेरे को अभी इतना तक आया, अभी टीम लोगों आया, टीम लोगों की आप नॉलेज देना है, आप भी बढ़ के जाना बोले तो ट्रेनिंग में चलना है आप। ओके माहौर जी किधर है ट्रेनिंग बोलो मैं आऊंगा। अच्छा एक हरी ट्रेनिंग में अटेंड करते गया ये बिजनेस में। पहले का मेरा ट्रेनिंग एफएम तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया, उसके बाद को ट्रेनिंग, वो तो को ट्रेनिंग का 3 दिन का को ट्रेनिंग दिया अभिषेक माहौर जी, एक एक चीज में बताया ऐसा करना, ऐसा करे तो बिजनेस आगे बढ़ के जाते, बहुत इंटरेस्ट आ गया, मैं मेरा टीम बहुत इंटरेस्ट ले लिया। उसके बाद एक कमिटमेंट से काम करने को शुरू कर दिया। वो ट्रेनिंग का सुनने के बाद मेरे को मेरे टीम से एक सोचा मैं कभी भी एक बिजनेस में आगे बढ़ना बोले तो ट्रेनिंग कंपलसरी होना है। अभी हर ट्रेनिंग किधर भी रहने दो, वो ट्रेनिंग रहने दो, वो फंक्शन रहने दो, कौन सा भी रहने दो, ये बिजनेस में जाना है तो जरूरी है, उधर जाना सीख के आना लोगों के बताना, वही काम गोल के रख के। और BBS ट्रेनिंग में चले और LDP ट्रेनिंग में चले, और मेन बोलते दिशा, दिशा के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, दिशा का भी एक बड़ा सक्सेस लेके आया मेरा जिंदगी में, दिशा ट्रेनिंग है था
पहले पहले थोड़ा छोटा टीम था मेरे कने, और दिशा के बारे में माँ गुरुजी बोला, और उसके बाद पैसा भी बोला, इतना खर्च होता बोल के, अभी तो ये ले लिया वो ले लिया, ऐसा तो नहीं है, उसी टाइम में आ रहा कमाने, मौका मिल गया। और ट्रेनिंग 4 दिन का ट्रेनिंग बोल रहा, और हैदराबाद में नहीं थोड़ा दूर जाना बोल रहा, वो दूर कितना दूर तो नहीं मालूम, केरला बोले, केरला में सोच रहा इधर ही रहते, इधर 1 घंटा 2 घंटा का रास्ता, ऐसा सोचा मैं। माँ गुरु जी बोला ट्रेन बुक कर दे, ट्रेन के बाद दिशा में गया, 4 दिन का दिशा ट्रेनिंग ले लिया। उधर जाए के बाद भी एक शॉकिंग न्यूज दिखाया मेरे को, हिंदी में है दिशा ट्रेनिंग, तेलुगु वाला में नहीं, मेरे को ज्यादा तो हिंदी नहीं आता और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऐसा सोचा मैं। माँ गुरु जी बोला मैडम आप सोचने की कुछ भी नहीं, उधर क्या बोलते वही सुनो, उसके बाद क्या करना मैं बोलते आप, ऐसा सपोर्ट किया, फुल मदद, जोश आ गया। उसके बाद महागुरु जी एंट्री हो गया, विकास महागुरु जी, उसका जोश सुन के मेरे को, खरे तो यही बिजनेस करना जिंदगी में, रहे तो ये बिजनेस में रहना लाइफ, और एक काम नहीं करूंगा, ऐसा एक कमिटमेंट लेके आया। 4 दिन अच्छा खुशियों से, बहुत सारे लोगों लीडर से मिल गया, उसके बारे में अच्छा लिखे पढ़े वाले है, मेरे से ज्यादा भी लिखे पढ़े वाले है, वैसे लोगों ये बिजनेस कर रहा, मेरे को भी इतना मदद दे रहा सार लोगों, मैं भी करूंगा, ऐसा एक कमिटमेंट लेके आया मैं, मेरा टीम, और आके और ज्यादा वर्क शुरू कर दिया दिशा में। अच्छा सर्टिफिकेट भी ले लिया माँ गुरु जी से भी, दिशा ट्रेनिंग ले लिया, सेकंड दिशा है मेरा फोटो, अभी तो हिंदी में चल रहा, अभी तेलुगु में भी हो गया, तेलुगु में सुने के बाद और एक्साइटमेंट हो गया, और कमिटमेंट ले लिया, कैसा भी करना है बिजनेस डायमंड तक पहुंचना, ये गोल रख के काम कर दिया। और उसके बाद और एक अचीवमेंट मेरे को याद करे मेरे महागुरु जी, अभिषेक महुर जी, आप तो लैपटॉप ले लिया अच्छा है, फोन ले लिया अच्छा है, और कितना दिन बस में चलते, कितना दूर दूर चल के ये काम करते, आपको एक स्कूटी ले अच्छा रहता, टीम भी अच्छा मोटिवेट होता, आपको सक्सेस और ज्यादा मिल जाते। अच्छा माहौर जी आप बोले ना मैं करूंगा, एक दिन स्कूटी ले लिया, वो स्कूटी ले लिया शॉप स्टोर रूम में, शोरूम में, और शोरूम से घर को कैसे लेके जाना मेरे को नहीं आता, वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद हल्लू हल्लू सीख ले लिया, अभी तो स्कूटी में अच्छा ड्राइविंग कर रहा, मेरा टीम, मेरा मम्मी और बहुत खुशी हो गया, मेरा बेटा ये अभी कैसा, पहले 1 साल के पैसे कैसा है, पहले रोते घर में बैठते, इतना देर कैसा आ गया मेरे बेटी के पास, इतना अचीवमेंट हो रहा, बहुत खुशी हो गया। मेरा भाई भी करो आपको पूरा मदद करूंगा, किधर भी जाओ किधर भी करो, आपको कुछ करना वो ही करो, जिंदगी में वही लोगों बोल रहा, रोना मत आप, रोना मत, कौन सा काम करे तो वो आपको मैं सपोर्ट करूंगा, ऐसे ही सपोर्ट किया मेरे मम्मी से, डैडी से, मेरे ब्रदर से, और मेरा बहुत कॉन्फिडेंट आ गया, और मेरा आशीर्वाद है मेरा गुरुजी का। उसके बाद और एक-एक अचीवमेंट ले रहा है, एक-एक स्टेज में जाके महागुरुजी लोगों से सम्मान ले रहा है, बहुत अच्छा खुशी लगता था मेरे को, गोल्ड उसके बाद पर्ल उसके बाद टोपेज एमराल्ड रूबी कंप्लीट किया, रूबी का रिकॉग्निशन टाइम में हजारों लोगों है, उसमें बीच में बात करना है, मैं बहुत पहले डर लगा, फिर आ गया मैं बात करूंगा मैं करूंगा, ऐसा सोच के बात किया, बहुत अचीवमेंट है ये मेरे जिंदगी में, इतना भी कभी भी मैं सोचा नहीं मेरा जिंदगी ऐसा बदलते बोल के, कभी भी सपनों में नींद में भी सोचा नहीं, उतना सक्सेस मिल गया मेरे को, ये पूरा सक्सेस मिले बोले तो मेरा विकास महागुरु जी का और सोम महागुरु जी का और अभिषेक महावर जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उन लोगों की ये लाइफ है उनके वास्ते है, ऐसे सोचा मैं। और उसके बाद मेरा बड़ा अचीवमेंट आ गया, वो कभी भी दुनिया में नहीं देखा, देखते रहते कार लोगों, बड़ा बड़ा लोगों लेते ये कार नहीं, तो नहीं मैदानी में भी लोगों मेरा है, उन भी MBA ऐसा पढ़े अच्छा लिखे पढ़े भी, उन भी छोटा छोटा जॉब में रहते हैं, अभी तक एक कार का अचीवमेंट नहीं करे। और एक लेडी मैं खानदानी में
एक दिन मेरा तो देख के बहुत लोगों करते थे, ये बच्चे कभी भी रोते हैं, इनका जिंदगी में ऐसी रहते हैं, ऐसे सोच है लोगों मेरे बारे में, अच्छा अच्छा सोचने की, या अच्छा अच्छा सोचने की स्टार्ट कर दिया, और लोग मेरा रिलेशन मेरे पास आने को शुरू करे। अच्छा अभी सुजाता ऐसे हो गया, अच्छा कार ले लिया, अच्छा बिजनेस कर रहा, ऐसा ऐसा बहुत मदद कर दिया। ये बलोना करे, फर्स्ट ड्रीम करे मेरा, वो कार में भी पता ज्यादा पता नहीं, और कार लेना बोले तो महागुरु जी बोला, महागुरु जी आप बोलो कौन सा कार लेना, वही कार फाइनल है, आप कुछ बोले तो वही फाइनल है मेरा जिंदगी में, बारे में सोचने की नहीं। मैडम मेरे कहने है बलोना, आप भी बलोना लो। ओके माहौर जी, 10 लाख का कार ले लिया, बहुत तो सक्सेस एक्साइटमेंट उस दिन। इधर मेरा नाम भी है एस सुजाता बोल के, वो नाम देखकर भी मैं बहुत फील कर रहा, अच्छा फील करा। मेरे ब्रदर, मेरे मम्मी और मेरा ब्रदर का बेटी आत्मा ऐसी कार ले लिया, बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन, ऐसा टीम वाला। मेरा भाई बोले तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। मैं एक ही सोचा, एक आदमी कुछ भी सोचे तो वो था जिंदगी में, मैं अभी आगे बढ़ने जाने हैं, मैं एक ही फॉलो करी है सिस्टम को। और उसके बाद ये तो है, और बड़ा ड्रीम मेरे मेरे गांव से हैदराबाद आते की कभी भी नहीं सोचा मैं। उसके बाद हैदराबाद में चार मीनार भी देखा नहीं, चार मीनार रहते मालूम है, लोगों बात करते थे चार मीनार अच्छा रहते, अमेरिका से आते देखने को चार मीनार, और इधर से मैं कभी भी चार मीनार तो नहीं देखा। फिर डायरेक्ट में यूरोप का आईफिल टावर देखे, बहुत खुशी हो गया। फोटो उधर से मेरा खानदान में भेजा है व्हाट्सएप में, मेरा टीम भी बहुत मोटिवेशन हो गया मेरा देख के, एक लेडी हो गई इतना सक्सेस ले रहा हूँ, ये भी सक्सेस करूंगा, ऐसा टीम पूरा चल के काम करने शुरू किया। मैं अकेला नहीं गया यूरोप कंट्री, मेरे पास 11 नंबर्स की टारगेट अचीव करके पूरा 11 नंबर्स गया, बहुत मजा उधर आया, बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छा अच्छा प्लेसेस देखा, और आके वो फोटो आके फिर टीम को बताया, और बहुत मोटिवेशन हो गया, मेरा टीम भी बहुत सक्सेस लेने की शुरू कर दिया। उसके बाद एक ही यूरोप नहीं और स्विट्जरलैंड का भी ट्रिप कंप्लीट किया मैं मेरा 11 नंबर्स मेन लीडर्स है, अभी डायमंड आने की चुकी और रेडी हो गया। उस स्विट्जरलैंड बोले तो सिनेमा मूवी में देखता था मैं, ऐसा रहते चिरंजीवी ऐसा लोगों रहते था, वाह कितना अच्छा है ये प्लेस, पूरा हाइस, ऐसा कभी भी फिल्म में देख कर खुशी होता था। फिर मैं उधर जाके फुल खुशी हो गया, अच्छा खेल दिया, मेरे पास मेरा गुरुजी भी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को और बहुत मजा भी आ गया। और मैं वही कमिटमेंट ले लिया, एक ही तो नहीं हुआ स्विट्जरलैंड का, ऑल ओवर कंट्री घूमना है, घूम सकते मैं, ऐसा सोच के बिजनेस फिर शुरू कर दिया। उसके बाद ये बहुत अचीवमेंट है, 1 लाख का फोन ले लिया, 3,500 का फोन से 1 लाख फोन ले लिया। एक दिन मेरे मम्मी उनका सिस्टर से बात करा, पिन्नी को थोड़ा कॉल करके दो बेटा मैं फोन बात करते, बोले तो अच्छा मम्मी करेंगे। करते करते एक बात मैं सोचा, अम्मी आप बात कर रहे ना कितना लाख का फोन है मालूम है आपको, बोले तो नहीं मालूम, ये 1 लाख का फोन है, अच्छा पकड़ो। अच्छा 1 लाख का फोन में आप सिस्टर से बात कर रहा आप, मेरे मम्मी एक ही बात बोला, ये 1 लाख रखे तो घर में गांव में अच्छा घर बनते, ऐसे सोचा मेरा मम्मी। मेरा तो बहुत फील हो गया, अच्छा आईफोन चल रहा अभी, मेरे टीम में बताते और मेरा रिलेशन में भी बताते, 1 लाख में बात करने को मौका दिया, सेफ शॉप कंपनी मेंटर्स और मेरे टीम नंबर्स, बहुत बहुत उनको प्रणाम करते मैं। और अभी सक्सेस तो थोड़ा थोड़ा आ गया, और एक ड्रीम था, हर विनर्स ट्रिप जाते था, पहले 2 टाइम गया मैं, टारगेट अचीव होके गया। उसके बाद मेरे महागुरु जी एक प्लानिंग दिया, अभी टारगेट तो जीत रहा, मोबाइल जीते और बैंकॉक जीते और बेस्ट परफॉर्मर भी होना, अब बनना है,
हाँ मयूर जी, मैं करूंगा, आप प्लान दे दो, मैं मेरा टीम पूरा मिलके करूंगा। आज पक्का, ये अभी 3 महीना में कंपलसरी मैं बेस्ट परफॉर्मर ले लूंगा। मेरे प्लान दे दो, मेरे महागुरु से बात हो गया और मेरा कच्चा प्लान दिया, और टॉपेस लेवल में मैं और बेस्ट परफॉर्मर ले लिया। मेरे टीम से 42 नंबर्स अचीव हो गया उसी टाइम में। वो बहुत मेरे को खुशी बात है। सक्सेस उधर से और एक सक्सेस जर्नी मिल गया। वो फोटो बता के लोगों से इतना सक्सेस हो रहा बिजनेस में, एक दिन सोचा नहीं इतना होता को बोल के। और ये बिजनेस में अभी आगे, और एक बार बेस्ट परफॉर्मर ले लिया, सेकंड का बार भी बेस्ट परफॉर्मेंस ले लिया, माधव महागुरु जी आशीर्वाद से बोके भी ले लिया। बहुत खुशी हो गया उस दिन, इतना महागुरु जी, बड़ा महागुरु जी मेरा बोका दे रहा, बहुत फील हो गया मैं। और नर्सिंग रोल महागुरु जी से भी अच्छा बुके ले लिया, भी बहुत उस दिन भी मेरे बहुत फील हो गया। इतना महान लोगों से मेरे कितना आशीर्वाद मिल रहा, इतना सम्मान मिल रहा। कुछ होते ना जिंदगी में अच्छा लिए के होते बोलते मेरे गुरु जी। वो शादी का लाइफ में देख सोचा था एक एक बार, उसी में रहे तो इतना इतने नया था। भगवान एक आदमी की जन्म दिए बोले तो कुछ भी एक करने की है, ऐसा सोच के मेरे को मेरा मदद करके और महागुरु जी लोग आशीर्वाद से मैं बेस्ट परफॉर्मर भी ले लिया। और मेरे टीम से भी सभी लोगों, चार चार लीडर दो दो टाइम बेस्ट परफॉर्मर ले लिया। और उसके बाद ये तो मेरा ड्रीम, पहले का सुने ना, मैं कैसा भी डायमंड तक पहुंचना, हर ही लोगों की एक सपना रहता, बिजनेस में आगे रहना, आगे बढ़ के जाना और डायमंड तक पहुंचना। डायमंड तक होना बोल तो सफलता करना है। वो करते करते एक दिन 2020 जनवरी 27 में मेरा डायमंड फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। माँ गुरु जी है मेरे से, विकास माहौर जी बहुत खुशी में है। इधर फोटो दिखाए तो उस दिन जसवीर माहौर जी है, सोम माहौर जी, विकास माहौर जी, अभिषेक माहौर जी आशीर्वाद से मैं बड़ा सक्सेस है। मेरे खानदानी में, मेरे लाइफ में भी मेरा बड़ा सक्सेस है डायमंड। और डायमंड कंप्लीट किया, हजारों लोगों मेरे देखने को है। उस दिन कितना खुशी बोले तो, वो खुशी में कौन सा डांस करते की भी भूल गया मैं। एक ही है, उधर गाना लगे इधर डांस करने को चले गए मैं। उतना खुशी हो गया मेरे जिंदगी में। ये वो 2020 जनवरी 27 मेरे डायरी में लिख के दिया, लिख के रख दिया, कभी भी भूल नहीं जाता। उसके दिन मेरा पापा आया, मेरा ब्रदर आया, मेरा पूरा मेरे मामू भी आया, और मेरे भाई तो स्टेज के ऊपर भी नहीं आया। मेरे बहन, मेरे दीदी इतना सक्सेस होया, स्टेज में ऊपर आ बोले तो भी रोके रोके बैठता हूँ सक्सेस। और बुलाए भी, उतना खुशी मिल गया। ये पूरा सिस्टम से, माध्यम से, कंपनी माध्यम से, अपलाइन माध्यम से, मेरे टीम माध्यम से मेरे ये सक्सेस मिल गया। कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी लोग। और मैं अकेला नहीं, डायमंड फंक्शन में एक स्टेज ही में अकेला नहीं ले लिया डायमंड का रिकॉग्निशन। ये डायमंड है पूरा हिस्ट्री क्रिएट करने की, डायमंड है मेरा टीम में। और ये जस्ट ये श्रीनिवास लाए मेरे पास, पहले तो प्लान बताया, कॉल फोन करे तो भी फोन नहीं लिफ्ट कर देता उन्हें। एमएससी कंप्लीट हो गया, एक अच्छा जॉब में रहते, और उनका जॉब में तनख्वाह भी 50,000, वो बहुत बड़ा सोच रहा हूँ उन लोगों। मेरे के भी उतना सैलरी है, ये बिजनेस में क्यों आता, ऐसा सोचे। फिर फॉलो अप करे 6 महीना तक आए के बाद से काम करना, एक यूनिटी से काम करना, ऐसा बोलते मेरे को याद आ गया। और दोनों मिलके काम शुरुआत किया, एक ही स्टेज में 21 मंथ्स में एक अच्छा मेरे साथ डायमंड भी बन गया। वो भी बहुत खुशी बात है मेरे जिंदगी में। ये अकेला नहीं, अभी 2 डायमंड भी हो गया, पूरा टीम डायमंड मेरे टीम में से है। वो तो मैं आप प्राउड पे फील कर रहा हूँ। और इन इनमें एक मेरे सर का एक टेलर है, और एक शिवशंकर सर है। इन डबल डिग्री कंप्लीट किया, मेरे से मिलते मिलते बात करते था, मेरा डबल डिग्री कंप्लीट किया।
एमएससी हो गया और बीडी हो गया, मैं प्राइवेट टीचर में काम करते था, ऐसा बातें करते था पहले पहले। अभी उन भी डायमंड बन गया, वो भी बहुत अचीवमेंट है। इसमें एक सोचने की है, मैं तो कम पढ़े, 10th तक हो गया गवर्नमेंट स्कूल गो में, और मेरे टीम में इतना लोगों आए तो मैं सोचा ऐसा रहता बिजनेस, अच्छा पढ़े लिखे वाले भी बात सुनता, अच्छा ऐसा टीम से काम करा। मैं कभी भी उन लोगों मेरे से छोटा नहीं करे, मैडम की जा कम पड़े ऐसा कभी भी नहीं सोचा। पूरा एक फैमिली सर का, एक भाई ब्रदर सर का पूरा मिलके काम करा। मेरे टीम से मेरे को बहुत तो हेल्प होता, मदद करते हैं उन लोगों, मैडम आप कुछ बोले तो वही करूंगा, सिस्टम की मैं भी आपका सर का फॉलो करूंगा, मैं आपके पास चलूंगा, ऐसा मिलके काम करते था। बहुत अच्छा लग रहा मेरा ये सेक शॉप में। और मैं अकेला काम कार नहीं ले लिया, और मेरे टीम से हर लोगों कार ले कार अचीवमेंट्स है। इधर नरसिम्हू टेलर है, एक एक एमएससी कंप्लीट हो गया श्रीनिवासल, मेरे पास एक ही स्टेज में डायमंड भी कंप्लीट कर दिया, और वेंकटेश्वर रेड्डी और शिवशंकर सर डबल डिग्री वाला, और सर्वेश्वर सर, ऐसे बहुत लोगों हैं। इसमें एक ऑटो वाला भी है, उन भी कार चुका है ब्रीजा कार, ये छोटा छोटा कार भी नहीं, 10 लाख के ऊपर रहता, 12 लाख का कार। इतना अचीवमेंट मेरे से, मेरे टीम की फुल सपोर्ट है, सिस्टम से अप्लाइंस से, ये पूरा सक्सेस होने के माध्यम से पूरा सिस्टम की चला जाता, और मेंटर्स को जाता, मेंटर्स कभी भी मेरे मदद किया, अच्छा सपोर्ट किया मेरा टीम। और मैं टीम से ये 2020 का डायमंड से ये पूरा सारे लोगों, इसमें ऐसे भी हर लोगों है, डिग्री वाला है, आर्मी वाला है, और पढ़े लिखे वाले भी नहीं है, एक ऑटो चंद्रे बोल के है। इसमें बहुत बड़ी बात है, अभी दो लेडीज भी डायमंड का रनिंग कर रहा, अभी 2020 में इनका डायमंड फंक्शन भी कंप्लीट करूंगा पूरा सारे लोगों की। इसको भी मैं बहुत थैंक यू बोलता है, इतना मदद से एक फैमिली से सर का मैं पूरा सिस्टम की फॉलो करके बिजनेस कर दिया, ये पूरा सक्सेस मिल गया। इतना सक्सेस कैसा, एक नॉर्मल लेडी एक छोटा से गांव से आया, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, फिर इतना सक्सेस कैसे मिलते। लोगों के एक ही परेशान होता है, मेरा सक्सेस का सीक्रेट यही चाहिए, मेरा सक्सेस का सीक्रेट पॉइंट्स है ये 6 पॉइंट्स है मेरे जिंदगी में, ये कभी भी फॉलो करते रहते। सिंगल माइंड अप्रोच, मैं तो लोगों से जाते रहते हैं, बहुत लोगों की मिलते रहते, उन्हों बोलते, और मेरे को ज्यादा गाइडेंस भी देते था, ये बिजनेस ज्यादा दिन नहीं रहता, ये बिजनेस हैदराबाद में नहीं चलता, ऐसा बोलते था। मैं तो एक ही है, ये बिजनेस करने की मैं करो तो एक भगवान मौका दिया, ये चांस नहीं मिस करते, मैं कौन की भी बात नहीं सुने, करने तो अभी बाहर का करने की मैं क्या, करने की ऑप्शन नहीं है मेरे को, डिग्री है नहीं है, अच्छा जॉब करने को, और ये बिजनेस तो करेगा कैसे भी, सफलता करे तो मिलता एक दिन, ऐसा बोल के सिंगल माइंड से काम करे। और मेरा ग्रेट सिस्टम है, वो बिंदास सिस्टम है, आरटीटी सिस्टम, उसी में एक लीडर था, मैं बहुत फील कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की फॉलो करे हरी चीजस हरी बात, हम मेरे सिस्टम बोले तो मेरा मेंटर सोचता मैं, और ऑल अटेंड फंक्शन ट्रेनिंग्स, मैं किधर भी रहने दो फंक्शन, कितना दूर भी रहने दो, मैं जाने जानते जाते कभी भी उतना दूर है मैं नहीं आते, पैसा नहीं है, ऐसा कभी से मेरे से बात नहीं हुआ। मेरा गुरुजी ऐसा बोलता, मैडम एक फंक्शन है इधर नहीं बैंगलोर में है, चलो माहुरु जी कितना रेडी, मैं तो रेडी, मेरा टीम को भी रेडी करके ले जाऊंगा, ये एक ही बात बोलते, मैं ज्यादा बात नहीं बोलते, और ऑल ट्रेनिंग अटेंड करते, कितना दूर रहने दो ट्रेनिंग अटेंड करते, मैं अकेला नहीं, मैं किधर जाए तो मेरा बेटा लोगों भी उधर ही रहते, बेटे बोले तो मेरा टीम पूरा सब मेरे साथ रहते, मैडम आप चल रहा आओ, चलो मैं भी चल रहा आपके पास, और कितना टीम ऐसा रेडी करके, मेरा टीम में ऑल फंक्शन ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, वही मेरा सक्सेस के एक रास्ता मिल जाता है उधर से। अरे फंक्शन में जाके एक गोल रखते हैं थे डायमंड,
एक दिन मेरे का डायमंड फंक्शन का डेट होती रहते है, उसलिए उनको सम्मान हो ना, मेरे को भी वैसे सम्मान करते, ऐसे सोच के आता, उधर उधर से अच्छा विजन लेके आते था। सुन के बात किया मैं, और मेरा मेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और टूल्स प्रमोशन करते था, किधर भी रहने दो, और डीडी दे तो 500 भी देना है, टूल्स उनको पास चल रहा है, ये टूल्स में बहुत सक्सेस मिल रहा। एक दिन सुना मैं, टीम सिस्टम के फॉलो करना बोलता, उसका नंबर एक टूल्स का भी है, और टूल्स कितना काम करते है वही मालूम हो गया। थोड़ा एग्जाम्पल्स देते थे महागुरु जी लोगों, एक करंट वाला इलेक्ट्रिशियन का है, टूल्स लेके जाते, डॉक्टर है, टूल्स लेके काम करते, उसलिए सक्सेस मिलते। ये बिजनेस में भी आप आगे जाना, बढ़ना और सक्सेस मिलना बोले तो टूम के सर के काम करना बोले तो टूम भी टूल्स भी प्रमोशन करते थे बहुत ज्यादा। और ऑल विनिंग फंक्शन, हर हाल विनिंग में कॉन्टेक्ट, अभी कौन सा भी कॉन्टेक्ट है, मैं मोबाइल से लेके यूरोप तक भी जीत गया। ये बिजनेस में पहले छोटा मोबाइल जीत गया, उसके बाद बैंकॉक, उसके बाद यूरोप, उसके बाद स्विट्जरलैंड, ऐसा एक-एक। मैं अकेला नहीं, मेरा टीम, मेन मेन लीडर कौन है मेरे साथ, कौन सिस्टम फॉलो करे, उन भी पूरा हरी लोगों, ये सिस्टम के माध्यम से हरी ट्रिप्स विन हो गया। बेस्ट परफॉर्मर मैं ले लिया और मेरे टीम में भी ले लिया। और मेरा नेक्स्ट गोल है, इधर तो काम सक्सेस नहीं हुआ, अभी अभी तो शुरू हो गया सक्सेस का, और मेरा नेक्स्ट तो ये ड्रीम है, मेरा ड्रीम हाउस लेना है हैदराबाद में। और एक कार तो आ गया, वो कार अभी चलते चलते, मेरा भाई भी बहुत उसके एक एक बार चलते बहुत फील करते, और मेरा एक दिन जागवर कर देगा मेरा सामने से जाया, एक कार का ऊपर एक सिंबल दिखाया मेरे को, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो कार में भी बैठे, बहुत अच्छा फील किया, मेरा ड्रीम रख दिया, जागवार एफ पेंट, ये एक कार में लेने की है। अभी आशीर्वाद से ये भी होता, ज्यादा दिन नहीं, 2021 में ये पूरा मेरा लाइफ में सक्सेस मिल जाता। और थैंक यू महावीर जी, इतना अच्छा स्टोरी मेरे सक्सेस बारे में मौका दिया, बहुत लोगों लेजेंड लीडर्स है, मैं अभी तो थोड़ा डायमंड लीडर है, मेरे को भी मौका दिया। मैं तो एक ही बात करने की है, महागुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम। और लेडीज रहते ना ये बिजनेस में, सोचा नहीं कभी भी क्या होता उसके पास जाना, जेंट्स रहता ऐसा सोचा नहीं। इधर सिस्टम में कैसा रहता बोले तो, मेरे को तो मेरे पापा है, जन्म दे के ये मेरा बेटी है बोल के मेरे खानदानी में मेरे गांव में बताया। ये बिजनेस में आए के बाद मेरा अपलाइन बोले ये मेरी सुजाता बेटी है, ऑल ओवर सिस्टम है, आरटीटी सिस्टम है, ये दुनिया पूरा दिखाया मेरे को बेटी। बिजनेस बिंदास है, अप्लायंस बिंदास है, अप्लायंस बारे में मैं सोचता है कि मेरे पापा सर का सोचते, मेरा फ्रेंड सर का सोचते, मेरा ब्रदर सर के सोचते, और इससे और सिस्टम फॉलो किया पूरा अच्छा है। ये इतना सारे सक्सेस मेरे जिंदगी में एक ही दिन में नहीं आया, मैं सफलता करते जाते हैं, ये पूरे सक्सेस मिलने को मेरे 5 साल लगा ये बिजनेस में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सफलता करते हैं। और लोगों की बोलते रहते ना, बोलते नो बोलते, मेरा गुरु से मैं बात करते थे, मैडम आप तो बिंदास रह दो, आने वाले टाइम में साउथ इंडिया में कौन भी लेडी डायमंड हाय बोले तो आपका नाम पहले निकलते, आप कर सकते, मेरे को मालूम है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इतना मदद दिया माँ गुरु जी, इतना सारे चीजेस अचीवमेंट किया, इतना लोगों से बात करने को मौका दिया, और मेरा मेंटर्स हरी लोगों की, माधव माहुर जी और नरसिंह रोल माहुर जी, विकास माहुर जी और जसवीर माहुर जी, सोमशंकर माहुर जी, अभिषेक माहुर जी की कोटि कोटि प्रणाम माहुर जी, मेरे को इतना मौका दिया माहुर जी, माधव माहुर जी की स्पेशली स्पेशली थैंक यू माहुर जी।